साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार नशा अपने पैर पसार रहा है। गुरुग्राम में आए दिन नशीले पदार्थों की बरामदगी की जा रही है, जहां बीते कुछ दिनों में गुरुग्राम पुलिस ने कई किलो नशीले पदार्थ बरामद किए हैं, तो वहीं कल देर रात गुरुग्राम पुलिस ने दो आरोपियों को काबू किया है, जो विशाखापट्टनम से 50 किलो की गांजा पत्ती एक गाड़ी में ले जा रहे थे। पकड़ा क्या है सर पूरा मामला? गुरुग्राम पुलिस के क्राइम यूनिट पालम विहार के इंस्पेक्टर विजेंद्र कुमार और उसकी टीम के एसआई प्रवीण कुमार ने माननीय पुलिस कमिश्नर मोहम्मद आकिल द्वारा चलाए गए एनडीपीएस एक्ट मादक पदार्थों के जो तस्करी है उसके विरुद्ध अभियान में आगे बढ़ाते हुए 50 किलो 100 ग्राम गांजा पत्ती चरस बरामद की है, जिसमें दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जो बेसिकली जिला गाजियाबाद यूपी के रहने वाले हैं, हरिओम और दूसरा वरुण, जो एक टाटा एक्सोन गाड़ी में 50 किलो 100 ग्राम गांजा पत्ती छुपा करके विशाखापट्टनम से लेकर के आए थे और इन द्वारा अलग अलग जगहों पर ये मादक जो पदार्थ हैं वो सप्लाई किए जाने थे, जिनको द्वारका एक्सप्रेस हाईवे राजेंद्रा पार्क थाने के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है और इसमें उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके आज माननीय अदालत में पेश किया जाएगा और इस तस्करी के धंधे से जुड़े तमाम उन आरोपियों के बारे में पूछताछ की जाएगी जो इसमें संलिप्त रहे हैं। आज अदालत में पेश करके माननीय अदालत द्वारा पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा तथा इतनी बड़ी खेप में कौन कौन संलिप्त रहे हैं विस्तार पूर्वक पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी। सर ये इतने स्टेट क्रॉस करके आए हैं तो क्या पुलिस की नाकामी भी है दूसरे स्टेट्स की? नहीं, ये जो सारा का सारा है, हमने एक जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर इनको काबू किया है और ये पुलिस द्वारा ही काबू किए गए हैं। जो पुलिस है वो भी पुलिस है, ये भी पुलिस है और ये पुलिस की कामयाबी है और पुलिस ने एक कामयाब तरीके से ऐसे तस्करों को गिरफ्तार किया है जो कई काफ़ी समय से इस तस्करी के धंधे में संलिप्त थे और जो लोगों की जो जिंदगियां हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ये गाड़ी खुद ही ड्राइव कर रहे थे सर या कोई ड्राइवर भी था? ये दोनों ड्राइवर हैं और दोनों गाड़ी चलाना जानते हैं और ये स्वयं द्वारा ही गाड़ी। कब अरेस्ट किया था सर इनको? ये कल देर शाम जो है इनको अरेस्ट किया गया। सर कहां देने वाले थे ये एंड कंसेप्शन कहां पर था? ये सारा का सारा एक पुलिस रिमांड के दौरान जो है डिटेल्ड इंटरोगेशन की जाएगी और इनका हर पहलू से इनके फाइनेंशियली कहां से कौन इनको किसी पीछे किसी और का हाथ तो नहीं है, हर पहलू से इसमें इन्वेस्टिगेशन थॉरली की जाएगी। मार्केट वैल्यू कितनी होगी और जैसे विशाखापट्टनम में तो ये मतलब मार्केट वैल्यू अगर हम मानकर चले तो इसकी मार्केट के हिसाब से आज के टाइम में 50 लाख के करीब जो है इसकी मादक पदार्थों की मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। सर इससे पहले भी पुलिस ने काफी खेप पकड़ी लेकिन आज तक कोई चैन जुड़ नहीं पाई। आज तक जो मुख्य आरोपी है कहां से किस तरह का गोरख धंधा पूरे साइबर सिटी में फैला है उसके मुख्य आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। पुलिस द्वारा थोरली इन्वेस्टिगेशन की जाती है और प्रॉपर वे से सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन करते हुए हर तरह से जो जहां से जिनकी संलिप्तता होती है गिरफ्तार किया जाता है।